गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं कामेंद्र सर, स्टार कोचिंग सेंटर अकोड़ी गोला में आप सभी का स्वागत है और अभिनंदन है। देखिए, प्रश्नावली 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। दूसरा का फर्स्ट दिया हुआ है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है, क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। सबसे पहले इसमें माना कि आयताकार भूखंड की चौड़ाई x मीटर है, इसलिए आयताकार भूखंड की लंबाई हो जाएगा, लंबाई कितना हो जाएगा, क्वेश्चन कह रहा है कि लंबाई जो है चौड़ाई के दुगने से, चौड़ाई को x माने हैं तो दुगना करेंगे तो हो जाएगा 2x, दुगने से एक अधिक है तो यहाँ पर एक अधिक करेंगे, अधिक का मतलब जोड़ देंगे, ये हो जाएगा इतना मीटर। अब हम लोग इसलिए प्रश्न में दिया है आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल दिया हुआ है 528 मीटर स्क्वायर। अब हम लोग सूत्र में जान रहे हैं कि आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, इक्वल हो जाएगा 528 ये मीटर स्क्वायर। अब यहां पर लंबाई दिया है कितना, 2x+1, और ये दिया हुआ है x इक्वल 528, ये मीटर स्क्वायर हो गया। उसके बाद अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, x में और 2x में करेंगे तो हो जाएगा 2x² उसके बाद प्लस x में और 1 में करेंगे तो हो जाएगा x, और ये है प्लस में इधर तो इधर लाएंगे माइनस में तो 528 और इक्वल इधर कितना बच गया 0। अब ये देखिए द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित हो गया, ये आपका हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर दूसरा का क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसमें माना कि पहला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक कितना है, x। दूसरा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक कितना हो जाएगा, x+1। इसलिए अब चलेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्न बोल रहा है कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, दोनों का गुणनफल 306 है, तो पहला धनात्मक पूर्णांक हो गया x, दूसरा हो गया x+1, और दोनों का गुणनफल यानी इनटू कितना दिया हुआ है 306। अब ये वाला देखिए, दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं, x में और x में मल्टीप्लाई करेंगे तो x² प्लस, अब x में 1 में करेंगे तो x होगा बराबर हो गया कितना 306। आगे देखिए x²
प्लस एक्स, और ये प्लस में है तो किस में लाएंगे, इधर माइनस में 306 इक्वल कितना हो जाएगा जी। अब ये वाला देखिए, द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना था हम लोग को, तो द्विघात समीकरण के रूप में देखिए निरूपित हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 इक्वल जीरो। ये हो गया द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित, ये आप लोग का आंसर हो गया।